आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर फायरिंग की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उनके मेरठ से दिल्ली जाते समय रास्ते में छिजार से टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी पर गोलीबारी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओवैसी ने बताया कि यूपी चुनाव के लिए मेरठ के किठौर में चुनाव कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली जा रहे थे। छिजार से टोल प्लाजा के पास पहुंचते उनकी गाड़ी पर गोलीबारी की गई। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए। इसके बाद वे दूसरी गाड़ी से दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ के किठौर में चुनावी कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली जा रहा था। छिजार से टोल प्लाजा के पास दो लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 गोलियां चलाई। वे 3-4 लोग थे। हालांकि इस मामले मेरठ के IG रेंज का कहना है कि अभी तक फायरिंग होने की कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि ओवीसी के समर्थकों और टोल कर्मियों के बीच झड़प हुई है, ना कि गोलीबारी। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।